भाई रुक जाओ थोड़ा सा, पहले वीडियो को देख लेना, फिर जाकर एक्समेल पे से डाउनलोड करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस तरह की एनिमेशन रेडी करने में। और इस वीडियो को मीकू लिरिक्स वाले भाई ने बनाया था, और इधर जब से बनाया भाई ने तब से मेरे को सब ने परेशान कर दिया कि भाई इसका ट्यूटोरियल बताओ कैसे बनेगी, एक्समेल प्रेसेट दे दो। तो आप सब के लिए लेकर आ गया हूँ, क्योंकि मीकू लिरिक्स भाई ने दूसरा एनिमेशन का वीडियो डाला है, तो उनको भी मेहनत लगती है कोई नया एनिमेशन रेडी करने में, और उसका तुरंत मैं ट्यूटोरियल दे दूँ तो उनको भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनका व्यूज रुक जाएगा। तो इसके चलते मैं उनकी वीडियो का ट्यूटोरियल तभी लाता हूँ जब वो कोई दूसरा एनिमेशन देते या बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है तब। तो अभी उन्होंने नया सा फिर एनिमेशन डाला, तो भाई लोग बोल रहे थे कि अब तो नया एनिमेशन भी आ गया है तो अब पुराने वाले का ट्यूटोरियल लेकर आ जाओ। तो भाई ट्यूटोरियल लाना संभव नहीं है इस वीडियो का, क्योंकि इतना ज़्यादा मेहनत लगता है इसको रेडी करने में, मुझे पता है और मीकू लिरिक्स वाले भाई को पता होगा, क्योंकि आप लोग तो एक्समेल प्रेस डाउनलोड कर लोगे और उसमें फ़ोटो और साउंड ऐड करोगे बना लोगे, लेकिन जो एक एक फ्रेम की फ्रेमिंग लगाना और उसको मूव करना इधर उधर, वो बहुत ज़्यादा दिमाग और सोच की बात है। मेरे को भी उतना दिमाग नहीं आएगा जितना मीकू लिरिक्स भाई ने अपने इस वीडियो में लगाया होगा कि कैसे इस तरह के एनिमेशन रेडी करना है। वो तो बना लिया मैंने, उस तरह का देख के क्रिएट करने की कोशिश की है तो ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन मीकू लिरिक्स भाई इतना ज़्यादा दिमाग लगाते हैं पता नहीं कहाँ से लाते होंगे। चलिए अभी हम इसका थोड़ा सा बता देते हैं कैसे कहाँ से क्या करना है, जो कि आप आसानी से बना पाओगे। तो अभी तक आपने इस वीडियो के लिए लाइक नहीं किया है, एक लाइक जरूर करना, लाइक करने को अच्छा लगता है, ख़राब लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में पे कमेंट कर देना कि आपको कैसा लगा, साथ में कोई वीडियो को सुझाव देना या कुछ पूछना है तो मेरे नए इंस्टा आईडी पे मैसेज कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, ना कोई भूत ना कोई आत्मा, आप देखते रहिएगा हमेशा टेक्निकल महात्मा। सो गाइस सबसे पहले आपको एक्समेल प्रीसेट जो भी सपोर्ट करता है आपके लाइट मोशन में उसे इंपोर्ट कर लेना है, शायद प्रीसेट ना भी हो क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा तो नहीं दे पाऊँगा। तो यहाँ पर लाइट मोशन ऐप को ओपन करते हैं और यहाँ पर टेम्पलेट पर जाकर आप अपलोड एक्समेल में जाकर अपलोड कर सकते हो, नेट ऑन रखना और प्रोजेक्ट में आते हैं। ये मेरा मेन प्रोजेक्ट है और यहाँ पर इसमें समझा देता हूँ कैसे करना है, इसी का डुप्लीकेट कर दिया है। तो यहाँ पे देखने में आपको तो आसान लगेगा लेकिन इतना ज़्यादा इसमें लेयर है, इसको ऐड करने में और बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको ऐसा साउंड सेलेक्ट करना है जो कि 13 सेकेंड तक या तो म्यूजिक रहे, नहीं तो एक लाइन यहाँ पे दो लाइन पार हो जाए, उसके बाद दूसरा जो मेन लाइन है सो इसके बीच में इधर आए। तो यहाँ तक आपको ऐसा साउंड चूज करना है जो कि मैंने लगाया, पूरा फुल साउंड डाउनलोड किया था जो है उसी में से कट छाट कर लगाया। उसके बाद यहाँ पे साउंड ऐड कर ले तो ये लेयर डिलीट कर लेना, ऐसे सेलेक्ट करके ये लेयर काम नहीं करेगा, इसे डिलीट करके ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप टू है, इस सब को छेड़छाड़ नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ ये पीएनजी है जो आपको नहीं रहेगी एक्समेल करते हो तो ऐसे साइलेंट रहेगा। तो आपको बस क्या करना है, पीएनजी एक्समेल वाले फाइल से डाउनलोड करना है, स्टार के ऑप्शन पर जैसे ही टैप करोगे आ जाएगा, ऐसे करके ऐड कर लेना है। उसके बाद इस लेयर को भी छेड़छाड़ नहीं करनी है और ये भी छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ से फ़ोटो आ रहा है देख सकते हो, ये चार फोटो लेयर है, यहाँ से चार या पांच पांच लेयर है जो, तो यहाँ से आपको फ़ोटो चेंज करना होगा। तो सब में आपको क्या करना है, जो मेन साउंड है आप जिसके लिए बना रहे हो वीडियो, तो ये वाला लेयर ये देख सकते हो यहाँ, और इसका ही दो कट है यहाँ पर देख सकते हो, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में फ़ोटो ऐड करना है। तो यहाँ पर फ़ोटो ऐड करने के लिए क्या करना होगा, एडिट ग्रुप में जाओगे और यहाँ से बस इस फ़ोटो को सिलेक्ट करके जैसे कि साउंड का थंबनेल डाउनलोड कर लेना है गूगल से ही, तो इस पे जाकर ऐड कर सकते हो, ये हो जाता है। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, सो आगे बताते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पे ये सब लेयर ऐड कर लेते हो तो इस सब में भी फ़ोटो ऐड करना है। उसके बाद ये कैसेट पीएनजी है, सो भी आप में नहीं रहेगा, यहाँ पर लास्ट में आता है कैसेट का एनिमेशन, तो ये कैसेट नहीं रहेगा तो आपको क्या करना है, ऐसा रहेगा तो बस स्टार के ऑप्शन पर टैप करोगे आ जाएगा, तो ये भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस इतना हो जाता है। तो अब आता है वीडियो और लेयर, तो यहाँ से आपको लिरिक्स लिखना है, ये वीडियो सब मैं डिलीट करके दूंगा तभी आप कर पाओगे, नहीं तो वीडियो का पार्ट होगा तो इसकी जगह इस वीडियो को डिलीट करके और यहाँ पे फेड इन आउट इफेक्ट देना है बस, ये फर्स्ट वाला में इन का नहीं रहता, आउट का रहता है, और बाकी समय फिर आउट इन दोनों का रहता है। तो वीडियो ऐड कर लेना अपने लिरिक्स के अनुसार, ये सब वीडियो पिक्सेल नाम की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा मीकू लिरिक्स का, तो उसमें मैंने सब बताया था कैसे लिखना है, एक लिरिक्स है जो नॉर्मल है एक ट्रांसलेट है, तो बस इतना करोगे आपका वीडियो बन जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।